नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली टेक। अभी कुछ ही दिन पहले एक लेटेस्ट अपडेट आया है मोनेटाइजेशन को लेकर, और उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि भैया पहली बात तो यह कि किस तरह के टॉपिक के जो चैनल है जिन पर मोनेटाइजेशन ऑन बिल्कुल भी नहीं होगा, और कौन से ऐसे चैनल है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको डाउट है लेकिन फिर भी उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि यार फर्स्ट रिव्यू सेकंड रिव्यू ये सब क्या होता है। और आप लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा है, लाइव में मुझसे पूछा है कि सर आपने इन पर तो कुछ बताया ही नहीं, तो भाई मैं थोड़ा व्यस्त था यार, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूं, एक दो दिन लेट बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में क्लियर कट आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा और किस पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उन चैनल्स की जिन पे लोगों को डाउट था लेकिन YouTube ने क्लियर कर दिया कि ऐसे चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन कर देगा, बहुत खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से टॉपिक है जिन पे मोनेटाइज बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंडरी रिव्यू का क्या सिस्टम होता है। तो देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि जो लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्री वीडियोस बनाते हैं, ऐसे लोगों का मोनेटाइज ऑन कर दिया जाएगा। इसके लिए दो बातें हैं। पहली बात कि उनकी क्रिएटिविटी होती है वीडियो में, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद से लिखते हैं, उनका फेस कैम होता है वीडियो, यानी खुद भी आते हैं सामने कैमरे के, और वॉइस ओवर भी उनका खुद का ह्यूमन होता है। तो भाई अगर आप इस तरह के वीडियोस बनाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन चैनल्स की जिनका बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। पहली बात, कोई आप म्यूजिकली, टिकटॉक, इस तरह की जो एप्लीकेशंस के वीडियोस होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे वीडियोस को मिला के एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं, इस तरह के चैनल को यूट्यूब बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करेगा। तो अगर भाई आपका मोनेटाइज ऐसा लग रहा है कि यार हो जाएगा, मैं टिकटॉक के 100 वीडियो डाल चुका हूं 500, तो भाई उन्होंने क्लियर कट कर दिया, नहीं होगा। दूसरी बात, जो लोग स्लाइड शो बनाते हैं, यानी कि इमेज ले ली, अब कोई इमेज ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, साइड बाई साइड हो रही है, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, चाहे भले ही वो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक हो, भैया ये चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। यानी आपको लग रहा है कि यार हम एडिटिंग में क्रिएटिविटी करते हैं, लेकिन एडिटिंग में क्रिएटिविटी नहीं होती भाई, आपका वॉइस जो है वो वॉइस ओवर होना चाहिए, अपडेट वीडियो फेस कैम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्लाइड शो होते हैं जिनमें क्या होता है कि स्लाइड भी चलती रहती है, यानी कि फोटोज भी चलते रहते हैं और टेक्स्ट भी लिखे हुए चलते रहते हैं, यानी टेक्स्ट वाले, वो भी मोनेटाइज नहीं होंगे, यानी टेक्स्ट चल रहे हैं और सिर्फ म्यूजिक चल रहा है। तीसरे तरह के स्लाइड शो, उनमें जो है पिक्चर भी चलती रहती है, वॉइस भी होती है, स्क्रिप्ट भी आपने लिखी होती है, लेकिन जो वॉइस है वो टेक्स्ट टू स्पीच जैसे ऑटो जनरेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनसे बनी हुई वॉइस, यानी कंप्यूटराइज वॉइस है। इस तरह की वॉइस अगर आपके स्लाइड शो में है तो भैया आपका चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत सारे न्यूज वाले और कुछ अनोखी अनोखी बातें बताने वाले चैनल ऐसे होते हैं जिनमें जो कंप्यूटर जो है वो वाली वॉइस होती है, ऑटो जनरेटेड वॉइस, जो टेक्स्ट लिखकर वॉइस क्रिएट करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो भाई इस तरह के चैनल भी मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इसके बाद आता है डुप्लीकेसी वीडियो, वो बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगी। जैसे आपने मेरी वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पर डाल दिया, किसी और के डाल दी, इस पर तो यूट्यूब बहुत ही सख्त हो गया है, तो भैया बिल्कुल भी मोनेटाइज आपका नहीं करेगा। और इसके बाद आता है टीवी कॉन्टेंट, जैसे कि मान लो टेलीविजन का कोई कंटेंट है, किसी सीरियल का कोई क्लिप है, वो आपने ले लिया, छोटे छोटे क्लिप बना के जोड़ के उस पर वीडियो बना दी, लेकिन आपने कोई अपनी कमेंट्री नहीं दिया, आपका कोई फेस कैम नहीं, आपका कोई वॉइस ओवर नहीं है, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, डुप्लीकेसी में आता है, और इससे बल्कि आपका चैनल सस्पेंड भी किया जा सकता है, या फिर आपका एडसेंस जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। और अब सीधी सी बात है, सारी बातें जब देख लेते हो तो इसमें एक ही चीज है कि भाई फेस कैम वीडियो होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए अगर आप कोई वीडियो क्रिएट करते हैं, उसमें स्क्रिप्ट आपकी है, वॉइस आपकी यानी ह्यूमन वॉइस ओवर है, और आपका फेस कैम नहीं है, तो भी यूट्यूब उसको मोनेटाइज कर देगा, उसमें क्रिएटिविटी है। लेकिन ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि फेस कैम वीडियो ही बनाए, ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, अगर आप कमेंट्री करते हैं तो आप अपना फेस जो है छोटे से कोने में, एक छोटा सा फेस भी आपका दिखता रहे, आपका वॉइस ओवर भी आता रहे, और भैया इमेजेस भी चलती रहे, जैसे कि कोई न्यूज चैनल वगैरह कुछ भी आप बनाते हैं, तो आपका चैनल जो है फटाफट मोनेटाइज हो जाएगा। तो यार अब एक चीज और है कि जो ऐसे चैनल ऑलरेडी है टिकटॉक वगैरह के, या जो भी ऐसे मैंने बताया जिन पे मोनेटाइज ऑन नहीं होगा, और उनका मोनेटाइज ऑन है, वो पैसे कमा रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उस पर यूट्यूब ने अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि उन चैनल को बंद करेगा या फिर चलते रहने देगा या फिर उनका एडसेंस छीन लेगा या जो भी कुछ करेगा, वो भविष्य की बात है। अगर कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक ये कि जिनका नहीं हुआ है, ये उनके लिए सारी गाइडलाइंस उन्होंने दी है। अब बात करते हैं सेकंड रिव्यू की, ये सेकंड रिव्यू क्या चीज है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप 4000 घंटे
और का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते अपने चैनल पे और आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में जाता है, तो सबसे पहले जो होता है वो ऑटो जनरेट मशीनरी रिव्यू होता है। तो अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आप अच्छा क्रिएट करते हो, आपका क्रिएटिव वर्क है और सारी गाइडलाइन फॉलो करता है, तो उसको तो तुरंत के तुरंत जो है अप्रूव मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने कैटेगरी बताई जिनमें डाउट्स है यूट्यूब को, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट रिव्यू से रिजेक्टेड हो जाएगा, तो वो मैनुअल रिव्यू में जाएगा। और जो मैनुअल रिव्यू है, सेकंड रिव्यू, वो ह्यूमन करते हैं, वहां की टीम जो है आपके वीडियोस को देखती है और वो निर्णय करेगी कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसके लिए वो समय जो उन्होंने बताया, वो बताया 1 मंथ का, यानी कि 1 मंथ में आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। ये मिलेगा कब, जब सेकंड रिव्यू में आपका चैनल जाएगा। तो आई थिंक ये जो कुछ पॉलिसीज बनाई है यूट्यूब ने, इससे शायद यूट्यूब इंडिया जो है काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब यूट्यूब इंडिया ही नहीं, मैं तो कहता हूँ यूट्यूब से जो मेरे को लगता है कि जो ये जनरेटेड वॉइस वगैरह होती है बहुत इरिटेट भी करते हैं, इस तरह के वीडियोस अब नहीं आएंगे और क्रिएटिविटी को ही वो यूट्यूब जो है ज्यादा फायदा पहुंचाने के मूड में है। तो यार आप भी अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई टिकटॉक वगैरह का चल बना रहे हो, आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इस तरह की फालतू मेहनत ना करें, अच्छा क्रिएटिव काम करें ताकि आप यूट्यूब पर अपनी मेहनत का फल भी प्राप्त कर सके। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं, अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। उससे यह होगा कि नोटिफिकेशन बेल को जैसे हम प्रेस करते हैं तो मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियो, यूट्यूब टिप्स ट्रिक्स, दुनिया भर की वीडियोस बनाता रहता हूं अच्छी अच्छी, आपको तुरंत मोबाइल पे पॉपअप आ जाएगा, कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी, आप हर वीडियो से अपडेट रहेंगे। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।